क्या महाराष्ट्र का नतीजा, यूपी का मूड, ये बड़ा सवाल। जिसके साथ ये अपडेट भी कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद चुनाव हार गए हैं। वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़ रहे थे, 51, और वहां से चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ ही मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार अतुल शाह भी चुनाव हार गए हैं। मुंबई के मेयर पद के बड़े दावेदार अतुल शाह थे और वो भी चुनाव लूज कर चुके हैं। सीधा हम और डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं और साथ ही कुछ तस्वीरें भी मेरे सहयोगी नित्यानंद इस वक्त साउथ मुंबई में इस वक्त वो मौजूद है, वो दिखा रहे हैं। नित्यानंद, जरा विजुअल्स दिखाइए वहां के। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से शिव सैनिक जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आवाज लगातार शिव सेना का देख। क्या कहेंगे, शिव सेना को लगातार बढ़त मिल रही है मुंबई में। ये बाला साहब का चमत्कार है, उद्धव साहब की मेहनत है और आदित्य साहब का, ये जो चीज आदित्य साहब कर रहे हैं मुंबई के लिए, इसलिए मुंबई ने जो विश्वास शिवसेना का बताया। आप जीत गई, आप चुनाव जीत गई हैं आप। ये सब अपने बाला साहेब की कृपा है, अपने उद्धव जी ठाकरे साहेब, अपने आदित्य साहेब और अपने जो 225 वार्ड के सब अपने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ शिव सैनिक जो है वो सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार मुंबई में बीएमसी में जो है शिवसेना जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो पहले नंबर की पार्टी बनकर सामने शिवसेना, तो ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास नित्यानंद। राकेश त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। राकेश, क्या वहां पर भी इतना ही सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जैसे शिवसैनिक मना रहे हैं? वो तो नंबर वन पार्टी बन चुके अभी तक के रुझान तो यही बता रहे हैं। पूर्णिमा, देखिए भले ही मुंबई के अंदर जो है बीजेपी नंबर वन की पार्टी ना बनती हो, लेकिन आपको एक अपडेट दे दूं कि फिलहाल जो है बीजेपी के लिए दूसरी जगहों से कुछ अच्छी खबर आ गई है। वो है पुणे, नासिक, उल्लासनगर, सांगली, सोलापुर, जलगांव, अकोला और अमरावती, ये वो इलाके जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है शिवसेना के कंपेरिजन में। लेकिन मुंबई जहां पर की बात की जा रही थी तो वहां पर जो है वो सेकेंड पोजिशन पर दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर जो सेलिब्रेशन है उतना जोरदार निश्चित तौर पर नहीं है जितना कि नित्यानंद आपको दिखा रहे हैं शिवसेना का। यहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के जो है महासचिव अमरजीत मिश्रा जी हैं, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, मुंबई में फिलहाल अब तक जो रुझान आ गए उसमें बीजेपी नंबर वन की पार्टी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे या अभी आप बोल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो प्रचार था वो काफी अग्रेसिव था, नोटबंदी का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं वो जो है भारी पड़ गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी भी 50 से ज़्यादा ऐसी सीट हैं जिसके रुझान आने बाकी हैं और वो पश्चिम उपनगर के हैं। भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है, वो गढ़ माना जाता है। उस दूसरी बात कि शिवसेना के जो स्टॉलवर्ट लोग थे, राहुल सेवाड़े जैसे उनके सांसद, उनकी पत्नी स्वयं हार गई है, उसे भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता ने हराया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी 227 जगहों पर अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को देने को टिकट दिया था और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने स्वाभिमान की लड़ाई जीत। बीजेपी अभी भी उम्मीदों के साथ है राकेश, और मातोश्री के बाहर भी जश्न मन रहा है। दूसरी तरफ नित्यानंद भी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी शिव सैनिक जश्न मना रहे हैं।